नमस्कार, मैं हेमलता साक्य आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्यू हेल्थ के। आज हम बात करने वाले हैं लो बीपी पर, जिसको कि हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है लो बीपी, क्यों हो जाता है, क्या इसके सिम्टम हैं और किस तरह हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लो बीपी क्या है। हमारा हार्ट हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड पंप करता है, तो जो प्योर ब्लड हार्ट से सभी ऑर्गन्स तक जाता है वो धमनियों के द्वारा जाता है। तो इन धमनियों में ब्लड को बहने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है, और जो नॉर्मली प्रेशर है वो 120/80 होता है। जब ये प्रेशर किसी भी वजह से घटकर 90/60 हो जाए या इससे कम हो जाए तो इसे हम लो बीपी कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा टाइम तक लो बीपी बना रहता है तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होने लगते हैं। मेजर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो अब हम जानते हैं कि क्या सिम्टम आ जाते हैं जब रोगी को लो बीपी होने लगता है। जब किसी व्यक्ति को लो बीपी होगा तो उसको चक्कर, डिजीनेस की फीलिंग हो सकती है, उसके सिर में हल्का दर्द हो सकता है, उसको हर समय थकान, कमजोरी महसूस होती है, हर समय व्यक्ति लेटा रहना चाहेगा, और उसको वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है। हो सकता है उस व्यक्ति की आंखों के सामने अंधेरा आ जाए, उसको धुंधला दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का बीपी लो हो गया है। बीपी लो जो है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आपको थायराइड है तो उसकी वजह से बीपी कम रह सकता है, अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बीपी कम रह सकता है। लो बीपी गलत खान पान की आदतों से होता है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले रहे हैं तो हमारा बीपी लो रहने लगेगा। अगर शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसकी वजह से लो बीपी हो सकता है, या डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी लो हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, जिसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, और साथ ही साथ विटामिन B12 रिच हमें खाने चाहिए, और जितना भी हम अपने भोजन में नमक ले रहे हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी हमें बढ़ा देनी चाहिए। अब हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से लो बीपी का उपचार सीखेंगे। उपचार करना बहुत ही आसान है, हमको पेपर टेप की ज़रूरत होगी और व्योल मैग्नेट की ज़रूरत है। व्योल मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, एक साइड इनकी येलो कलर की होती है और दूसरी साइड इनकी वाइट कलर की होती है। तो चलिए अब पॉइंट जान लेते हैं जो कि जिन पर हमें उपचार करना है। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, ऊपर वाले इंडेक्स फिंगर में ऊपर वाले जोड़ से हल्का सा नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है B6, और थंब पर हमारे पॉइंट हैं। जब हम थंब पर ध्यान से देखेंगे तो बीच में हमें एक उभार सा महसूस होगा, इस उभार पर ही ये बिंदु हैं गवर्निंग वेसल 25 और गवर्निंग वेसल 26। तो सबसे पहले हम किसी भी जिम्मी या पेन की बैकसाइड से इन पॉइंट को इस तरह से 5 से 6 बार इस तरह से प्रेशर देंगे सभी पॉइंट्स को। ये पॉइंट बायलेटरल हैं दोनों हाथों में, तो उपचार भी हम दोनों हाथों में करेंगे। इस तरह से सबसे पहले स्टिमुलेट कर लेंगे इन पॉइंट्स को, और फिर हम पेपर टेप में इस तरह से मैग्नेट को लगा लेंगे और अप्लाई कर लेंगे इन बिंदुओं पर। ये मैग्नेट्स 8 से 10 घंटे तक लगाकर रखे जा सकते हैं, तो रात में हम लगा लें और सुबह हटा दें। जब ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा बीपी धीरे 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 नॉर्मल रहने लगा है। तो बहुत ही इफेक्टिव उपचार है, आप इसको यूज़ करिए और लाभ उठाइए, और उन लोगों को भी शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, जिनका बीपी लो रहता है। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इसी तरह से हाई बीपी पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके समय और सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।